Good morning class, I am Pawan Solanki. In today's class, we will discuss about the magnetic quantum number. प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम जो है magnetic quantum number के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इससे पहले क्लास में हम जो है क्या क्या कर चुके हैं भाई, ठीक है। इससे पहले क्लास में हम जो है ठीक है चार क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से हम क्या क्या कर चुके हैं। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर कर चुके हैं भाई हम, नीचे से ले जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका हो चुका है, ठीक है, जो कि मेन सेल के बारे में बताता है, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन देते ना भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और जिसको कि एन से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। सेल बताता है, ठीक है, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सेल में, ठीक है। ये भी बताता है, ठीक है, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, ठीक है, इन सेल, ठीक है। यह भी बताता है, ठीक है ना। तो एन स्केयर, ठीक है, वाला टू एन स्केयर वाला फार्मूला होता है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा क्वांटम नंबर जो आया था, ठीक है, पी एल ई, ठीक है, पी एल ई, ठीक है। क्वांटम नंबर की स्पेलिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की स्पेलिंग है पी ए एल अभी, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बार बार मैं गलती कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रिंसिपल, ठीक है, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये रहेगा। और उसके बाद जो है दूसरा क्वांटम नंबर कौन सा आया था, अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब क्वांटम नंबर, ठीक है ना, क्वांटम नंबर। अब इसको जो क्वांटम नंबर को हम किसे दिखाते हैं, एल से, स्मॉल एल से हम दिखाते थे, ठीक है। यही क्या बताता है, क्या क्या बताता है, एक तो ये, ठीक है, स्पाइन लाइन का एक्सप्लेन करता है, फाइन लाइन कौन सी होती है, ठीक है, उनको एक्सप्लेन किया, मतलब ये सब सेल के बारे में बताता है, ठीक है। वो फाइन लाइन जो क्या होती है, सब सेल होती है, ठीक है, सब सेल होती है, ठीक है। बताया उन्होंने रिलेटिव एनर्जी बताई, ठीक है, सब सेल की जो है, ठीक है ना, ये बताया। और साथ ही क्या बताते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है, ठीक है, क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या शेप रहेगी ऑर्बिटल्स की, कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, वो यह भी बताएगा, ठीक है ना। अजीब मतलब, और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो एन की वैल्यू तो क्या होती है, 0 से लेकर के n-1 तक होती है भाई, ठीक है। एन वैल्यू जो है, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू रहेगी। जबकि एल की वैल्यू जो क्या बताई थी, ये बताई थी आपकी, ठीक है, जो है, ठीक है, ये तो 0 से n-1, ठीक है ना, एल की वैल्यू ना, एल की वैल्यू, ठीक है, 0 से n-1 तक, ठीक है, 0 to n-1, ठीक है ना, ये इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। एन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहेगी, इसको हमने क्या नाम दिया था, के एल एम एन ऐसे नाम दिया था ना भाई, ठीक है, एम एन सेल, ठीक है, सेल ही तो होती है जो है, ठीक है। फिर हमने इसकी 0 से लेकर n-1 तक बताई, ठीक है, और जो कौन कौन सी जो है इसको डाइजिग्नेशन भी हमने क्या रखा था, जैसे एल की वैल्यू अगर 0 आती है, ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, तो क्या नाम लेता भाई, एस सब सेल कहा था, ठीक है। ये जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पिछली क्लास में हम जो पढ़ चुके हैं, अगर इसको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो वो मेरे पिछले लेक्चर भी देख सकता है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, आपको जो यूट्यूब पर, ठीक है, आपको मिल जाएगी। एल की वैल्यू 2 है तो क्या रहेगा, डी सब सेल रहेगा भाई, ठीक है, मिस मत कीजिएगा भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो ये, ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये बेस भी आपका जो है, ठीक है, इसी से आपका जो है केमिस्ट्री का आधार बनने वाला है। जिसको ये चैप्टर समझ में आ गया, उसको केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, आसान लगेगी। इसको नहीं आया, ठीक है, उसके लिए तो मुश्किल होता जाएगा बेटी आगे जो है, ठीक है, समझ में नहीं आएगा फिर जो है, ठीक है ना। तो 0, 1, 2, 3 एल की वैल्यू है, तो यदि 0 वैल्यू तो एस सब सेल होगी, यदि 1 वैल्यू है तो पी सब सेल होगी, ठीक है, यदि 2 वैल्यू है तो एल की, ठीक है, डी सब सेल, और एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल होगी, ठीक है। ये सार प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, ठीक है, उन्हीं के इनिशियल्स लिए गए हैं, ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया भाई, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड क्वांटम नंबर आता है वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। ये क्या है, ठीक है, इसको जो आज हम पढ़ने वाले, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी हुई, ठीक है। असल में ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है किसको, जीमन इफेक्ट को, ठीक है, ये करता है, इट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करेगा, इट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब एंटर कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो है ये जो है स्प्लिट हो जाती लाइन। देखो क्या था, ठीक है, जो है देखो क्या था भाई, स्टार्टिंग में जो है, ठीक है, जब आपने क्या हुआ, एक फैक्ट था, जब जो भी सोर्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम था, हमने यहाँ पर क्या कर रखा था, एक सोर्स रख रखा था, ठीक है भाई, सोर्स कैसा, जिसके अंदर हमने गैस वगैरह रखी हुई थी, ठीक है, उससे, ठीक है, जो लाइट जा रही थी, ठीक है,
यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस वगैरह जो भी थी, ठीक है, वो पास हो रही थी किससे, इससे, ठीक है, प्रिज्म से पास हुई, ठीक है। अब प्रिज्म से पास हुई है, फिर उससे जो, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम जो आ रहा था, हमने उसको जो किसके ऊपर उतार लिया था, एक स्क्रीन के ऊपर जो वहाँ पर उतार लिया था, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर उतार लिया, तो हमें क्या मिला था यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो मिल रहा था, ठीक है, स्पेक्ट्रम में जिसके अंदर कुछ लाइन थी ऐसे अलग अलग, ठीक है। ये तो कलर्ड लाइन थी, ठीक, कलर्ड लाइन, ठीक है, ये कलर लाइन है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू के जिससे हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना, इनको अलग अलग कलर से दिखा सकते थे, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अलग अलग कलर, ठीक है, आपको जो है, ठीक है, टाइम लग जाएगा काफी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये रेड कलर रहा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये ब्लू कलर, ठीक है, ये ग्रीन कलर हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो अलग अलग कलर की, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, जो लाइन निकलती है, और उसके बीच में क्या था, ये डार्क डार्क वाला, ठीक है, जो रीजन रहा यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे स्पेक्ट्रम आ रहा था। लेकिन जब हमने, ठीक है, सोर्स को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक इस सोर्स को, ठीक है, जो कि यहाँ से स्पेक्ट्रम जो प्रोड्यूस हो रहा था, इस को, ठीक, हमने किसमें रख दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स में रख दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या, जैसे कि आपका, ठीक है, हम यहाँ पर छोटे सा मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, होर्सू टाइप, ठीक है, एक मैग्नेट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, होर्सू टाइप एक मैग्नेट ले रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, जिसमें इधर की तरफ ये नॉर्थ है, ठीक है, ये क्या साउथ है, ठीक है। तो क्या होती है, ये जो लाइन क्या होगी, स्प्लिट हो गई थी, ठीक है, लाइन क्या होती है, स्प्लिट हो रही थी लाइन, ठीक है, गो स्प्लिटिंग, ठीक है, गो स्प्लिटिंग, स्प्लिट हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर जो है। अब ये स्प्लिट क्यों हुई, ठीक है, इसी फिनोमेना को जो है क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, ठीक है। ये सबसे पहले जो देखा, किसने देखा, जीमन ने देखा, जीमन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उसने देखा, और उन्हीं के नाम पर जिसको रख देगा नाम, ठीक है, क्या नाम रख देगा, जीमन इफेक्ट जो है, ठीक है। तो ये बोर वगैरह था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसी को जो है, ठीक है, उसी के लिए क्वांटम नंबर आया, ये सारे कंसेप्ट को ना, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के द्वारा, ठीक है, जो एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है, देखो, अब इसको एक्सप्लेन किया, जैसे क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा भाई, यहाँ पर तो क्या है, ठीक है, कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड बने, क्या क्या नहीं है, ठीक है। देखो एक ये एक न्यूक्लियस है, मान लेते सेंटर, एटम का सेंटर है, सेंटर का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो देखो भाई, चार्ज, ठीक है, क्या रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब चार्ज फ्लो कर रहा है तो क्या होता है, करंट होता है, करंट की तो क्या है, करंट के हमने तो इफेक्ट पढ़े हैं 10th क्लास में, अरे 10th की है लास्ट के अंदर हमने, ठीक है, करंट के तो इफेक्ट पढ़े हैं, कौन कौन से ये बताइए। एक तो उससे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दूसरा उसका क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पढ़ा क्या हमने, ठीक है भाई, 10th क्लास के अंदर हमने पढ़ा नहीं है, अरे जिसमें वो क्या आता था आपका, ठीक है, वो मोटर वगैरह आती थी, ठीक है, मोटर इसी प्रिंसिपल काम करता है, जनरेटर भी जो है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है ना, लेफ्ट फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है, सारे का सारा जो, ठीक है, वर्क वही तो था, मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर था पूरा चैप्टर 10th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं वो मोशन कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे गोल गोल ऑर्बिटल मोशन हो रहा था, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इससे क्या होती है, एक जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बनती है, क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इसकी, जैसे वो, ठीक है, गोल गोल इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, बदले में क्या बनाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनता है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, ठीक है भाई, ये भी बनता है, दोनों साथ साथ बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन देखो घूमेगा, ठीक, घूमे, चार्ज फ्लो हो रहा था, करंट बना, करंट से क्या हुआ, ठीक है, करंट के क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनेगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, ठीक है, दोनों इफेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है, ये क्या करती है, मान लेते इसके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रहा है, तो बताओ, जैसे हमने 10th क्लास में किया भी है, कोई सर्कुलर लूप है, क्या सर्कुलर लूप है, तो उसमें जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे दिखा सकते हैं, जल्दी बताइए, ठीक है, कौन सा एक जो है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ से प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, करंट जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो करंट की डायरेक्शन, अगर आप ये मानो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है, तो करंट के इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली करंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट होती है दोनों की डायरेक्शन जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है, हाँ मैं कह रहा था इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे पता लगा सकते हैं, फ्लेमिंग का, या फिर या तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल से पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, वहां पर जो होता है भाई, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, इससे पता लगा सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, ये रहेगा। एक वो एन और एस वाला जो होता था, ठीक है, उससे भी जो आप पता लगा सकते थे, ठीक है, ठीक है, ऐसे जो, ठीक है, तो आपको बताया हुआ, ठीक है, और ठीक है एस वाला, ठीक है, ऐसे जो है, ठीक है, एरो, ठीक है, और ये, ठीक है, इससे पता लगा सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें जो है इसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलता था, ठीक है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे होगी भी, ठीक है, यहाँ से ऐसे जो क्या कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे इसके चारों तरफ जो है, ऐसे यहाँ पर भी बन रहे होंगे,
उसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड द, ठीक है, उसके जिसने किसी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। तो यहाँ पर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ जो वो गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, मैग्नेट आएगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिस्टर्ब करेगी, चेंज करेगी ना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रही, ये लाइन क्या हो जाती, स्प्लिट हो जा रही थी, ठीक है। एक्सटर्नल एक मैग्नेट आई, ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल एक्सटर्नल कौन सी लगाई थी हमने, ये वाली लगाई थी ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जो गोल गोल घूम रहा है, जिसकी वजह से ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है, तो हमने क्या हो गया, वो जो मैग्नेटिक लाइन जो है, स्पेक्ट्रम लाइन, वो क्या होगी, स्प्लिट होगी यहाँ पर, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेट के लगाने से, ठीक है। तो ऐसे ऐसा क्यों हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, बदले में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड को जो डिस्टोर्ट कर रहा था, कौन कर रहा था, एक्सटर्नल मैग्नेट क्या कर रही थी, डिस्टोर्ट कर रही थी, इसकी वजह से लाइन क्या हुई, स्प्लिट हुई, ठीक है। तो रीजन पता चला भाई, क्यों जो जो वहां पर स्प्लिट हुई थी, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी भाई, ठीक है, ये तो इतना हमारा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया इसने। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है, ये इसका काम क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो क्वांटम नंबर कैसे आया, ठीक है। तो दस, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस, दस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, ठीक है भाई, इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर कह सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। रोहित अब आना हुआ भाई आपका भाई, ठीक है, इतनी इतनी लेट में, ठीक है, जो आप आते हो, है टाइम पर आया करो क्लास लेने के लिए, जाए द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सब सेल, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है सब सेल के, कैन ओरिएंट देम सेल्स, कैन ओरिएंट देम सेल्स इन सर्टेन प्रेफर्ड प्रेफर्ड रीजन्स ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन्स ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया है, देखो जब एक क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे एक्सटर्नल मैग्नेट आती है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डिस्टोर्ट हो जाती है। डिस्टोर्ट होने का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा, प्रभावित होगा भाई। यहाँ पर भी क्या, मैंने ये लिखा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन होगा सब सेल का, वो क्या होगा, अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, ओरिएंट करने का मतलब यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, जिससे कि उसका उसका या तो जो रिपल्सन हो रहा है, या फिर जो एक्सट्रैक्ट क्या हो सकता है वहाँ पर, जो है रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो, सबसे कम हो गई, ठीक है, अट्रैक्शन हो तो, ठीक है, उसकी तरफ चला जाएगा, या फिर जब रिपल्सन हो तो उससे दूर जाना चाहेगा, मतलब ऐसे अलाइन कर लेगा अपने आप को, ऐसे ओरिएंट कर लेगा जिससे कि वहाँ पर जो है कुछ रीजन में चला जाएगा, जिसे हम प्रेफर्ड रीजन कहेंगे उसका भाई, मतलब वो डिपेंड करेगा, यदि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है तो इसकी तरफ चला गया, ठीक है, और यदि रिपल्सन हो रहा है तो क्या, दूर दूर की तरफ चला जाएगा। तो उन एरिया को, उन वॉल्यूम को, उन स्पेस को मैं क्या कह रहा हूँ, प्रेफर्ड रीजन कह रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही तो डिस्टोर्ट हुआ वहां पर, इलेक्ट्रॉन ही तो चला गया वहां पर, अब उस स्पेस को, ठीक है, हमने पहले वो वहां पर कौन चला गया, इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है, एक एरिया ही तो है, एक वॉल्यूम ही तो, एक स्पेस ही तो है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑर्बिटल कह रहे हैं। ये ऑर्बिटल मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑर्बिटल क्या होता है, वो स्पेस है, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लगभग कितनी होती है, 90% के आसपास होने की होती है प्रोबेबिलिटी होती है भाई, ठीक है। तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिस्टोर्ट हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो किसी डायरेक्शन में गया, मान लो वो आगे इस डायरेक्शन में आ गया यहाँ पर जो है, तो इस वाले एरिया को मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, वो वाला एरिया अपन क्या, इसका ऑर्बिटल कहलाया, क्या कहलाया, ऑर्बिटल, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहीं से कंसेप्ट आता है इसका, ऑर्बिटल का, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है, 10, ठीक है, अब हम कह सकते हैं 10 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ, डिटरमाइंस
नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन किस किस डायरेक्शन में गया, कौन कौन से जो उसके प्रेफर्ड ओरिएंटेशन है भाई, ठीक है ना। प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन कौन से जो ओरिएंटेशन रहेंगे इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट है किसी सब सेल के अंदर जो है, ठीक है, प्रेजेंट इन ए सब सेल, ठीक है भाई, ये रहेगा। अब ये यहाँ पर जाना है, ठीक है, सिंस प्रत्येक ओरिएंटेशन में कॉरस्पॉन्ड करता एक ऑर्बिटल को बताता है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक मोमेंटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी पता चलते हैं, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब सेल, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब सेल, ठीक, किसी सब सेल के अंदर कितने जो है ऑर्बिटल मौजूद है ये भी बताता है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है भाई, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है, तो ये पता चलता है भाई। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है अभी तक, तो यानी कि पूरी कहानी क्या क्या है, ठीक है, पता चलता है वो था, ठीक है, काम की बात अब जो आने वाले भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, इसके जो है जो काम किया, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इनको जो आप, ठीक है, यहाँ से ध्यान दे, ठीक है, इसके बाद जो है, ठीक है, ये रहेगा, तो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। इट इज नोटेड बाई, इसको नोट किया जाता है किससे, सिंबल से, इट इज नोटेड बाई, वो तो कैसे आया, ठीक है, मैंने आपको बताया सारी बातें जो है, ठीक है, इट इज नोटेड बाई एम, ठीक है, स्मॉल एम से इसको हम डिनोट करते हैं, स्मॉल एम होता है या फिर स्मॉल एम नीचे सब्सक्रिप्ट में एल भी लिख देता है वो, ठीक है, ऐसे ऐसे बना देगा एम और नीचे सब्सक्रिप्ट में क्या लिख देगा, एल लिख देगा, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये कहलाता है, ठीक है भाई, आगे समझ में, ठीक है, लेटर एम। अब इसकी वैल्यू, ठीक है, इट्स वैल्यू वेरीज, ठीक है, इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वेरीज, वेरी करती है फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, देखो भाई, ठीक है, फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल तक जाती है, माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। एल एल क्या है, एल वो आपका सेकंड क्वांटम नंबर से आता है भाई, ठीक है, जो कि अज्यूमेबल क्वांटम नंबर है, ठीक है, वहां से ये मिलता है, ठीक है, अगली बात समझे भाई, अगली बात समझे, ठीक है, तो दस हम कह सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, ठीक है, दस फॉर एवरी value of L M has, M की जो value होगी, प्रत्येक value L की value के लिए M की value कितनी होगी, has 2L plus 1 values, कितनी value होती है, 2L plus 1 values होती है, ठीक है, कितनी जो है value रहेगी, मतलब यदि L की value क्या है, 0 है, ठीक है, तो उसमें कितने M आएंगे भाई, ठीक है, M की value कितनी हो जाएगी, ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब M कैसे निकाल सकते हैं, अरे m की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, ये किसे पता चला, ठीक है, m की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, l की वैल्यू चाहिए, देखो m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकाला जा सकता है 2l plus 1 से, तो हमें उसके लिए किसकी पता होनी चाहिए, l की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर देख देते हैं l is equal to 0 है, ठीक है, l is equal to 0 है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जो l is equal to 0 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूले पुट कर देंगे भाई, ठीक है ना, और l is equal to 0 क्या क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो m कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है, मतलब m की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है, 1 वैल्यू आएगी, ठीक है, ये 1 आएगी वैल्यू भाई, ठीक है, तो कितना आई है, 1 वैल्यू आएगी, ठीक है, अब 1 वैल्यू वहाँ पर जो आएगी, ठीक है। उसके बाद नंबर दो, जो नंबर दो, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या, 2l प्लस 1, ठीक है जी, 0 हो गया, ठीक है, प्लस 1 हो गया भाई, ठीक है, m can have only one value, ठीक है, तो m की value कितनी आ रही है, 0 आ रही है, this means, इसका meaning क्या है, m की value, ठीक है, a की value आ रही है, इसका meaning क्या है यहाँ पर, this means that this m is equal to one value, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, this means that s sub cell has only, ठीक है, देखो ये किसके लिए आया था, l is equal to 0 था ना, s sub cell थी ना ये, s sub cell, ठीक है, this means that s sub cell, जो s सब सेल है ना, उसका केवल एक ही ओरिएंटेशन, s सब सेल हैज, हाँ
Okay, this means that SSL has only one orientation in space. ठीक है, space में जो इसका orientation केवल एक ही है, ठीक है ना, एक orientation रहेगा. ठीक है, तो जो है SSL केवल क्या होता है, एक ही orbital होता है. ठीक है, हम यहाँ पर जो कह सकते हैं SSL has only one orbital. ठीक है, दस एस सबशेल जो होगी, एस सबशेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल. ठीक है, तो ऑर्बिटल तो बताता है भाई, ठीक, ओरिएंटेशन जो रहेगा किस डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है, एक ही इसमें रहेगा भाई. ठीक है ना, अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है. ठीक है, और जिसको हम क्या कहेंगे, एज ओनली वन ऑर्बिटल, और जिसका नाम क्या होगा, एंड हैज नेम, उसका नेम क्या होगा, एंड हैज नेम एस ऑर्बिटल. ठीक है, याद रखिएगा, एस सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और उसका नाम क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है भाई. ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर जो है. इसके बाद नेक्स्ट देखो, और एल इज इक्वल टू वन. ठीक है, एल की वैल्यू अब यहाँ पर क्या आ गई है, ठीक है, वन है भाई. ठीक है, एल इज इक्वल टू वन है. ठीक है, तो मतलब कौन सी सेल है, पी सब सेल होगी. ठीक है, कौन सी सेल आ गई, पी सब सेल. ठीक है, पी सब सेल. ठीक है, एल इज इक्वल टू वन के लिए एम की वैल्यू क्या होती है, टू एल प्लस वन होती है. ठीक है, टू एल प्लस वन होती है भाई. ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, 12 प्लस 1 वैल्यू होगी. ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो जो है. ठीक है ना, तो कौन कौन सी वैल्यू रहेगी यहाँ पर, वो देख लेते हैं यहाँ पर जो है. ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पर जो है, ठीक है, अपने पुट करते हुए, ठीक है, l की वैल्यू कितनी है, l इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इसके अंदर. ठीक है, कितना 2 इंटू 1 प्लस 1. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3. ठीक है, 3 वैल्यूज होने वाली है, 3 वैल्यूज रहेंगी भी. ठीक है, अब 3 वैल्यू रहेंगी, 3 वैल्यू जो है कौन कौन सी होगी, ठीक है, वो यहाँ पर आपने देखनी है. ठीक है, तो ये जो है 3 वैल्यूज है, वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर जो है, 3 वैल्यूज जो होगी. ठीक है, ये कहाँ से कहा था कुछ, देखो ml की वैल्यू, ठीक है, ml m की वैल्यू जो होती है ना, ठीक है, माइनस l से प्लस l तक होती है, माइनस l टू प्लस l. ठीक है, माइनस l से प्लस l. ठीक है, l की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 1 है भाई यहाँ पर. ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस वन से लेकर के, ठीक, कितनी होगी, माइनस वन से लेकर के, ठीक है, प्लस वन तक होगी भाई. ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, उसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगी, ठीक है, वो रहेंगे यहाँ पर जाए. ठीक है, तो कौन कौन सी 3 वैल्यू होंगी, एक तो माइनस वन होगी, एक कौन सी होगी, बीच में कौन सा आएगा, 0 आएगा, और एक कौन सा आएगा, प्लस वन आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो कितने ऑर्बिटल होने वाले हैं, ठीक है, 3 वैल्यू होगी ना भाई यहाँ पर जो है. तो एम के लिए जो है, सॉरी, एल के लिए, एल इक्वल टू वन है, तो एम की वैल्यू 3 वैल्यूज आती है. और कौन कौन सी 3 वैल्यू है, एक तो ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू. ठीक है, 3 वैल्यू. ठीक है, ये जो 3 क्या रहेंगी, वैल्यू रहेगी, एम एल वैल्यू जो होती है, टोटल वैल्यू तो बताता है इस फार्मूले से. ठीक है, टोटल वैल्यूज, ठीक है, टोटल वैल्यू बताएगा, मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे भाई. ठीक है, टोटल ऑर्बिटल, ठीक है, टोटल वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल. ठीक है, अब वो जो ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, विच ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल का नाम, ठीक है, विच ऑर्बिटल आर, ठीक है, कौन कौन से, विच आर ऑर्बिटल, ठीक है, विच ऑर्बिटल हैं वो, ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, तो वो उनके नाम यहाँ पर जो इन्होंने बताया. ठीक है, ये रहेंगे, ठीक है, माइनस वन, जीरो, प्लस वन जो है, ठीक है, माइनस एल से प्लस एल तक होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो. ठीक है, स्टार्टिंग में आपको जो बता दिया. तो इसमें जो 3 ओरिएंटेशन जो रहेंगे, 3 ओरिएंटेशन जो होगी, 3 ओरिएंटेशन, मतलब 3 वैल्यू आ रही है, 3 ओरिएंटेशन होंगे. और 3 ओरिएंटेशन जो रहेंगे कौन कौन से हैं, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई, एक्स एक्स डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा वाई एक्सिस में रहेगा, और तीसरा जो रहेगा जेड एक्सिस में रहेगा. ठीक है, ये जो 3 वैल्यू रहेंगे यहाँ पर, 3 ऑर्बिटल ओरिएंट होंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू पी के जो ऑर्बिटल होने वाले हैं 3, ठीक है, पी सबसेल जो होने वाली है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, अब उनके नाम जो होंगे ना, ठीक है, इनके जो नाम होंगे, ठीक है, उनको मैं दे देता हूँ. एक्स डायरेक्शन में जो रहेगा वो होगा पी एक्स, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जो होगा पी वाई, ठीक है, और जेड डायरेक्शन में क्या होगा, पी जेड होगा. अब ये देखो यहाँ पर ये कोई रूल नहीं है कि माइनस वन के लिए एक्स आएगा, जीरो के लिए, ठीक है, वाई आएगा, प्लस वन के लिए जेड आएगा. ठीक है, जो पहले मैंने लिख दिया, ठीक है, जीरो के लिए एक्स भी लिख सकते हैं हम जो है, ठीक है ना, कि हम जो कई बार जो है, ठीक है, एक्सचेंज भी कर देंगे सुविधा के अनुसार. ठीक है, तो ये कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर ये रूल मत समझना भाई, समझ गए. यहाँ पर जो रहेगा माइनस वन के लिए, ठीक है, क्या पी एक्स जो रहेगा. ठीक है, ये कोई रूल नहीं है. ठीक है, अब देखो ऐसे ही, ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो पता चला कि पी सबसेल, ठीक है, पी सबसेल में जो है 3 ऑर्बिटल हैं, पी सबसेल के अंदर हैज 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल होंगे उसके अंदर. कौन कौन से 3 ऑर्बिटल हैं, एक तो पी एक्स है, एक पी वाई है, और तीसरा कौन सा है, पी जेड. ठीक है, 3 ऑर्बिटल जो इसके अंदर ये हो गए. ठीक है, पी एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई का मतलब क्या है, वाई डायरेक्शन में. ठीक है, जेड का मतलब क्या है, जेड डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल वहां पर उसके होने वाले हैं. ठीक है,
ऐसे ही हम क्या करते हैं, फॉर एल इज इक्वल टू टू, ठीक है, डी सबसेल के लिए देख लेते हैं। डी सबसेल के लिए बताइए, बताइए भाई कितना आएंगे, कितने ऑर्बिटल आएंगे अभी, ठीक है। पहले तो बताइए कितने ऑर्बिटल होने वाले हैं, टोटल ऑर्बिटल का कैलकुलेट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से। टोटल ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू टू एल प्लस वन, ठीक है, टू एल प्लस वन, ठीक है। यहाँ से जो हम निकाल लेंगे, टू इंटू एल की वैल्यू कितनी है, दो प्लस वन, ठीक है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल, पांच, पांच ऑर्बिटल होने वाले हैं, ठीक है। पांच ऑर्बिटल यहाँ पर जो बनेंगे, ठीक है, फाइव ऑर्बिटल यहाँ पर जो बनेंगे भाई, ठीक है। अब किस किस डायरेक्शन में होंगे भाई, ठीक है, डायरेक्शन भी तो हमें यहाँ पर देखनी है भाई, ठीक है। अब वो कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, ऑर्बिटल की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ऑर्बिटल की वैल्यूज, ठीक है, ठीक है, टोटल ऑर्बिटल तो आ गए, ठीक है, ऑर्बिटल की वैल्यू जो रहेगी, ठीक है, चार ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ऑर्बिटल की वैल्यूज, सारे के सारे काम अभी करवाइए, ऑर्बिटल वैल्यूज जो होंगी, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होगी। देखो माइनस एल से, ठीक है, प्लस एल तक होती है, माइनस एल से प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी है, दो, ठीक है, तो माइनस दो से लेकर के, ठीक है, प्लस के दो तक रहेगी, एक माइनस दो होगा, एक माइनस एक, फिर उसके बाद जीरो, ठीक है, उसके बाद प्लस के वन, फिर उसके बाद प्लस के टू, ठीक है। ये जो पांच वैल्यू यहाँ पर होने वाली है, ठीक है, तो डी सब सेल के अंदर, ठीक है, आपके जो पांच ऑर्बिटल बनेंगे, ये कौन कौन से, ठीक है, ये वाले पांच ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू ये बता दी। अब इनके नाम डेजिग्नेशन किस डायरेक्शन में होंगे, देखो भाई बहुत ही आसान है यहाँ पर, ये डी डायरेक्शन में, डी एक्स वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये कौन सा होगा, ठीक है, नाम देख लिया भाई, ठीक है, डी वाई जेड ले लो, ठीक है, और ये तीसरा कौन सा रहेगा, डी एक्स जेड ले लो, ठीक है भाई। इसके बाद ये कौन सा है, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है ना, इनकी जो शेप भी हम बताएंगे ऑर्बिटल की जो है, ठीक है, आगे बढ़ने वाले आप, ठीक है, ये डी जेड स्केयर, अभी सिर्फ ये नाम जान लो, ठीक है, ठीक है। तो डी सबसेल के अंदर, ठीक है, कितने ऑर्बिटल, ओवरऑल अगर हम बात करें तो डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हो चुके हैं यहाँ पर, जो है डी सबसेल हैज फाइव ऑर्बिटल, ठीक है ना, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, पांच ऑर्बिटल रहेंगे, ये पांच घर कह रहे हैं हम, ठीक है ना। एक सबसेल है, मतलब पहले एक घर आया, सेल, सेल के अंदर क्या, सबसेल, सबसेल के अंदर क्या, पांच ऑर्बिटल, ठीक है ना, पांच ऑर्बिटल है वहां पर जो, ठीक है, घर है, एक तरीके से हम कह रहे हैं, ठीक है, मतलब ये घर क्या है, बड़ा घर है, पांच घर वाला, ठीक है, एक बड़ी बिल्डिंग होगी अपने, हम कह सकते हैं, ठीक है, बंगला बन गया ये, ठीक है, विला जो बन गया है, ठीक है ना। कौन कौन से है वो पांच, ठीक है, जो रहेंगे डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जेड, ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, डी एक्स जेड, ठीक है, ये रहेगा भाई, और उसके बाद डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और फिर लास्ट वाला जो डी जेड, ठीक है, ये ऑर्डर नहीं, यही नहीं है भाई, ठीक है, ये जीरो के लिए, माइनस टू के लिए ये वैल्यू, ठीक है, माइनस वन के लिए ये वैल्यू, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, समझ गए ना, इनके लिए कोई रूल नहीं है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। अभी तक ये क्या है, क्या वैल्यू है, ठीक है, हाई क्लास में आप पढ़ लेना, ठीक है, अभी तक, ठीक है, यहाँ पर मैंने तो कोई रूल पढ़ा नहीं है इनके लिए जो भाई, ठीक है ना, तो ये आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर जो आप दे सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। फोर एल इज इक्वल टू थ्री के लिए, ठीक है, एल इज इक्वल टू थ्री है तो कौन सी सबसेल होगी, एल की वैल्यू थ्री होती है तो कौन सी सबसेल होती है, एफ सबसेल होती है, कौन सी होती है, एफ सबसेल, एफ सबसेल होगी, तो उसके लिए टोटल वैल्यूज, ठीक है, टोटल जो ऑर्बिटल बनेंगे, टोटल ऑर्बिटल बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, जो टोटल ऑर्बिटल जो बनेंगे, एम फार्मूले से, एम इज इक्वल टू एल प्लस वन फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, क्या फार्मूला, टू एल प्लस वन है, ठीक है, टू इंटू, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है, तीन है, ठीक है भाई, प्लस वन, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर जो है, एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तीन है, ठीक है, यहाँ से जो आई, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दिया तो कितने हो जाएंगे, सात है, सात हो जाएंगे, तो सात ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बनेंगे, सात ऑर्बिटल यहाँ पर जो बनेंगे। तो मतलब हमारे पास क्या है, सेल, सेल के अंदर सब सेल, ठीक है, सब सेल कौन सी, एफ सब सेल, एफ सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, एफ सब सेल के अंदर सात ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, ये वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, माइनस थ्री से लेकर के, माइनस थ्री से लेकर के, ठीक है, जो वैल्यूज है, ठीक है, मतलब एल की वैल्यूज जो होगी वो कौन कौन सी होगी, माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होती है, तो माइनस थ्री से लेकर के प्लस के थ्री तक होगा, अब कौन कौन सी होंगी, माइनस थ्री, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस का एक, प्लस के दो, और प्लस के तीन, ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ पर सात वैल्यू प्रकार जो है होने वाली है। अब ये कौन कौन से होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है भाई, ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़ा, ठीक है, एफ पी जो है कौन कौन सी होती है, ठीक है, सिर्फ डी तक ही पढ़ी है, ठीक है, पांच ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, ठीक है ना, अभी यूट्यूब वगैरह में भी मेरे को नहीं मिला, तो आप जो है डी तक ही याद रखेंगे, ठीक है, ये जो कौन कौन से ऑर्बिटल है, एफ के सिर्फ ये जान लो सात ऑर्बिटल होंगे, यदि और कोई सेल आती है एलिजिबल टू फोर तो उसके लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, नाइन ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ दो चौकाट और एक नौ, ठीक है, एलिजिबल टू फाइव आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, इलेवन ऑर्बिटल हो जाएंगे, तो इस प्रकार जो ऑर्बिटल की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, दो दो करके जो बढ़ती जाए, ओड नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, क्या आ रहे हैं, ओड नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो आप वहां से जो है निकाल सकते हैं, समझ में आया भाई आपको, ठीक है ना, तो इस प्रकार जो क्या रहेगा यहाँ पर जो है, एक ऑर्बिटल जो आप बता सकते हैं, ठीक है।
ये एक तरह से क्या है जो है, देखो अगर मैं बताऊं जैसे क्या है, मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक जो शेल आएगी, ठीक है, सेकंड शेल है, ठीक है, ये क्या है कि सेकंड शेल है। अब सेकंड शेल है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है, डायग्राम नहीं है क्या ये वाला, अभी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ 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 करने के लिए शेप कोई है नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, और भी देखनी चाहिए। तो सेकंड सेल है, ठीक है, तो सेकंड सेल तो कौन सी सेल होगी, वो एल सेल होगी, एल सेल होगी ना भाई। अब उसके अंदर जो है दो सब सेल है भाई, कौन कौन सी बताओ जल्दी। देखो यहाँ पर शेल, ठीक है, ये बात कर लेते हैं, यहाँ से आते क्या ये शेल है, ठीक है, एक शेल है, ठीक है, ये कौन सी सेल होगी, एल सेल। अब इसके अंदर क्या रहेगी, ठीक है, दो सब सेल आई है, कौन कौन सी, ठीक है, एक तो सब सेल होगी ये वाली, और एक कौन सी सेल होगी, सब सेल होगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो एल सेल उसके अंदर कौन कौन सी सेल होगी, ठीक है, एक एस सब सेल होगी, दूसरी सब सेल होगी कौन सी, पी सब सेल, ठीक है। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आता है कि ठीक है ये एस सब सेल, ठीक है, और ये ठीक है आपकी कौन सी, पी सब सेल। मतलब ओवरऑल ये अगर ये सेल है आपकी, ये यहाँ से आता है एक सेल है सेकंड सेल, ये एल सेल है, तो उसके अंदर दो सब सेल, एस सब सेल और पी सब सेल जो है, ठीक है, ये रहेगी। अब एस सब सेल के अंदर, ठीक है, क्या आया, ठीक है, इस एस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, अब हम बात करेंगे इसकी ऑर्बिटल की, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑर्बिटल होने वाला है वो कैसा, एक ऑर्बिटल यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल, एस सब सेल के अंदर एस ऑर्बिटल होगा, और पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से तीन ऑर्बिटल, मतलब अगर ऑर्बिटल को अपने गोले से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो तीन गोले होंगे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं भाई, ठीक है ना, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, ठीक है, ये पी के तीन ऑर्बिटल रहेंगे, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये वाला पी जेड है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो गए, ठीक है, जो ये सेल के अंदर जो ऑर्बिटल को आप दिखा सकते हैं, सेल है, देखो सेल, सेल के अंदर सब सेल, पहले पहले तो ये क्या आया, ये आई आपकी सेल आई, क्या आई, सेल, ठीक है। उस सेल के अंदर क्या है, सब सेल, ठीक है, ये सब सेल आई हुई, ठीक है, सब सेल होती है, सेल के अंदर क्या है, सब सेल, उसको हम अंदर की तरफ खोल के देख रहे हैं। अब सब सेल के अंदर भी क्या है, ऑर्बिटल है, थर्ड क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चला, उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्बिटल, तो हमें एड्रेस पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और चौथा जो है, ठीक है, एक रूल हम पढ़ने वाले इसके बाद जो है, ठीक है, ठीक है ना, चौथा और जो क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमें बताया कि इन ऑर्बिटल के अंदर जो है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं जो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल है ना, ठीक है, इन ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल, चलो इसको जो है कल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डी जनरेशन जो क्या है, डी जनरेट, डी जनरेट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इनकी एनर्जी क्या है, वो बराबर है, आज के लिए बेटा, ठीक है, इतना ही, ठीक है, बाकी के जो, ठीक है, कल करेंगे, कल क्लास में करने वाले हैं, ठीक है ना, तो इसको करिएगा आप जो है, ठीक है, जो मैंने कराया है इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर जो चारों को समाप्त करेंगे एक क्लास में, ठीक है, इनको बता देंगे अच्छे से, ठीक है, इन पर जो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है, न्यूमेरिकल तो नहीं, ठीक है, ऐसे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो एक एक करके वो सभी को जो हम क्या कर लेंगे, डिस्कस भी यहाँ पर कर लेंगे।